नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं रणवीर सिंह और मैं आ गया हूं फिर देखिए एक अपडेट लेकर। और अपडेट ये है कि दो परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकरा रही हैं और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने देखिए परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग की है। तो देखिए, हम बात करते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर भर्ती नोटिफिकेशन, हर विज्ञापन और भर्ती से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिले। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर देखिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पटवारी और देखिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की जो तारीखें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। देखिए, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने क्या है, दोनों जगह पर फॉर्म भरे। जब अभ्यर्थी जब दो जगह फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये आएगी कि वो एक ही जगह परीक्षा दे सके, एक ही सेंटर का उनको चुनाव करना पड़ेगा। तो अभ्यर्थियों की मांग यहीं से शुरू होती है कि उन्होंने कहा है कि देखिए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि इस पूरी जो डेटा यहां पर टकरा रही है उसमें उनको बदलाव करना चाहिए। देखिए, आगे चलते हैं, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं। देखिए, यहां पर प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से देखिए जो टकरा रही हैं जो तिथियां उनको लेकर यहां पर, और कारण यह है कि अभ्यर्थियों की यहां पर देखिए पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी पढ़ाई करें या उसकी पढ़ाई करें तो यहां पर देखिए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपना भविष्य सुरक्षित करें। तो अभ्यर्थी कई जगह पर फॉर्म भरते हैं, लेकिन सरकार इन सब चीजों को नहीं सोचती है और भर्ती एजेंसी आपस में इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है कि जी आपकी परीक्षा इस तारीख में है तो हम अपनी परीक्षा को आगे पीछे यहां पर कर सकते हैं ताकि अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं भला हो जाए। तो देखिए, यहां पर जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है देखिए 22 से लेकर 25 अक्टूबर तक यहां पर घोषित की गई है, ठीक है। और देखिए, यहां पर पटवार भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होनी है। तो अब देखिए, यहां पर जो पटवार परीक्षा देंगे तो वहां पर जो इसमें जूनियर इंजीनियर की जो है जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा और इनकी परीक्षा आपस में कहीं ना कहीं बीच में यहां पर टकरा रही है। तो अभ्यर्थियों में देखिए यहां पर काफी रोष नजर आ रहा है कि ये परीक्षा तिथि अगर आगे पीछे नहीं हुई तो उनको एक परीक्षा से हाथ धोना पड़ सकता है। तो देखिए, अब अभ्यर्थियों को यहां पर सोचना है, अभ्यर्थियों को यहां पर फैसला करना है, क्योंकि सरकार इसमें देखिए अभी तक सरकार का कोई इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही तो देखिए भर्ती एजेंसियों की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि परीक्षाओं की तिथियों को आगे पीछे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए यहां पर आंदोलन बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। देखिए, यदि प्रदेश में बड़ी भर्तियों को देखा जाए तो रीट के बाद सर्वाधिक आवेदन पटवारी भर्ती में आए थे। रीट के बाद सबसे बड़ी भर्ती कौन सी है, पटवारी भर्ती है। तो देखिए, आगे चलते हैं यहां पर। तो देखिए, यह परीक्षा 23 24 अक्टूबर को होनी है। 23 को तो महिलाओं की होगी और 24 को पुरुषों की होगी जो पटवारी परीक्षा है, ठीक है। अब देखिये 14 लाख के करीब आवेदन इसमें पटवारी भर्ती में यहां पर आए हुए हैं। यह भर्ती 2019 की भर्ती है, 2019 की भर्ती है। यहां पर 20 भी निकल गया और 21 में इसकी परीक्षा होने जा रही है, लेकिन सरकार ने इसे अब तक पटवार भर्ती 2021 कर दिया है। 2021 इसको पटवार भर्ती कर दिया। पूर्व में देखिए 4421 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब इसमें 957 पदों की बढ़ोतरी की गई है। वो भी बढ़ोतरी युवा साथियों की मांग पर की गई है, कई सारे आंदोलन किए गए, विज्ञप्ति जारी करने के लिए भी संघर्ष किया गया, ठीक है। लेकिन उसका क्रेडिट सरकार नहीं ले सकती, ये सारा क्रेडिट युवा साथियों को जाता है, जो कि युवा साथी एक मंच पर पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए लेकिन अब इसी में 957 का हो गया, इसमें देखिए 4615 नॉन टीएसपी और 763 पद टीएसपी क्षेत्र के बढ़े थे। अब देखिए यहां पर सोचने वाली बात यह कि बिजली विभाग का जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है वो परीक्षा तिथियों में बदलाव नहीं करना चाहते। और देखिए अभी तक इसमें कोई भी ऐसा सकारात्मक निर्णय निकल कर नहीं आया जो अभ्यर्थियों के हित में हो। तो देखते हैं आगे इस परीक्षा में क्या होता है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा समय है। तो देखिए, इस परीक्षाओं में कोई बदलाव होता है या नहीं होता, लेकिन युवा साथी सोशल मीडिया पर मांग उठा रहे हैं और सभी युवा साथियों से मैं कहूंगा कि जागो युवा जागो आंदोलन के तहत आप अपनी मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाइए और सरकार तक पहुंचाइए, सरकार को जगाइए, तभी जाकर युवा साथियों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में कोई सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद बनेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आते हैं नए अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।